भी निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने मिला और निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई थी और बाद में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। नमस्कार, मैं जीत सिंह, स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। आइए हम टेक्निकल चार्ट की हेल्प से जानते हैं कि किस तरीके का होगा मार्केट नेक्स्ट डे मतलब 17 तारीख को। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जो आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ था बैंक निफ्टी में तकरीबन 40 पॉइंट उसके बाद सॉरी निफ्टी में, और निफ्टी ने 15,431 के एक लेवल को टच किया। जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि निफ्टी 15,487 तक जाना चाहिए, मगर एक 37 तक गया। अभी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से इस मूव से लेके यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट आज लिया है निफ्टी ने, तकरीबन 50% लिया है। तो 50% रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऐसा लगता है कि वापस हायर लो स्टैब्लिश किया है निफ्टी ने इस जगह पे, और ऐसा लगता है कि निफ्टी वापस अपने मेन ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड को पकड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ एक देख रहे हैं, अगर हम लोग प्रॉपरली मार्कआउट करें तो एक यहाँ पे एक हायर लो बनाया है, यहाँ पे एक हायर लो बनाया है, एक यहाँ हायर लो बनाया है, और एक सेम यहाँ पे भी हायर लो स्टैब्लिश किया है। तो जिस तरीके से यहाँ के बाद एक मूव आया, फिर यहाँ पे फॉल ला, एक हायर लो के बाद फिर ये मूव आया, फिर यहाँ पे हायर लो क्या देखिए मूव आया, तो यहाँ से एक हायर लो के बाद वापस एक अप मूव आना चाहिए और 15,431 भी ब्रेक करना चाहिए निफ्टी, जिस तरीके से निफ्टी प्रॉपरली अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आने वाले टाइम में कल भी निफ्टी ऐसा लगता है कि प्लस होगा और अपने मेन ट्रेंड को मतलब अप ट्रेंड के साथ चलेगा। हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ने आर्ली कैंडल देखा, फिर डेली अगर चार्ट देखें तो डेली चार्ट में अगर देखें तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। इस मूव से लेके प्रॉपरली मूव हुआ है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी अप ट्रेंडिंग है। अगर हम लोग मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट बहुत ही अप ट्रेंडिंग है निफ्टी। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद नीचे आया हुआ है। अगर हम लोग देखें तो एक प्रॉपरली प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर हम यहाँ के एक बार इसे देखें कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपने आप को ऊपर लेके गया है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली 0.61% का एक रिट्रेसमेंट लेके एक हायर लो वापस स्टैब्लिश किया है बैंक निफ्टी ने। तो आर्ली चार्ट पर हम लोग ये देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी वापस अप मूव की तरफ ट्रेड करे। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जहां जहां पे हायर लो स्टैब्लिश किया बैंक निफ्टी ने वहां से ऊपर गया था, यहाँ से भी हायर लो स्टैब्लिश किया, हायर लो स्टैब्लिश किया, वापस हायर लो स्टैब्लिश किया। अभी ये टारगेट ब्रेक करना चाहिए बैंक निफ्टी को, 38,000 लगता है कि बैंक निफ्टी जल्द से जल्द अचीव करेगा। अगर हम लोग देखें डेली चार्ट पे तो डेली कैंडल पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है हम लोग को, बहुत ही माइनर सा। अगर हम लोग देखें क्योंकि एक हाई बनाया है, डाउ 3 को प्रॉपरली स्टैब्लिश किया है, हम लोग देखें यहाँ से प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में भी और मंथली चार्ट में भी बहुत ही अप ट्रेंडिंग है। अगर हम लोग देखें क्रॉस ओवर का तो आर्ली चार्ट में प्रॉपरली मीडियन का सपोर्ट ले रहा है और मीडियन को सपोर्ट लेते हुए प्रॉपरली हम लोग ये कह सकते हैं कि हायर लो स्टैब्लिश किया है आर्ली चार्ट में निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का मूवमेंट है, 13 EMA का सपोर्ट लिया है, मतलब 20 EMA तक भी नहीं गया है। तो मतलब बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा एग्रेसिव है आवरली चार्ट पे। अगर हम लोग बात करें कि आज परफॉर्मेंस क्या रहा एनएससी पे, कौन कौन से स्टॉक्स प्लस रहे, कौन कौन से स्टॉक्स ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया निफ्टी को ऊपर लेके जाने में या प्रॉफिट बुकिंग में, वो समझने की कोशिश करते हैं एनएससी के चार्ट पे, एनएससी की साइट पे जाके कौन कौन से स्टॉक्स आज अच्छे चले हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, कौन कौन से स्टॉक्स। अगर हम लोग देखें तो आज जो निफ्टी है वो 1.25% सिर्फ माइनस रहा, 26 स्टॉक्स प्लस थे, 24 स्टॉक्स माइनस थे। अगर हम लोग देखें तो पावर ग्रिड, ONGC, टाटा स्टील, हिंडालको, NTPC ये सबसे बड़े हुए शेयर हैं। अगर मोस्ट एक्टिव शेयर्स की बात करें तो SBI में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एक्सिस बैंक। क्वांटिटी ट्रेडेड के हैं तो आइडिया, PNB, सेंट्रल बैंक, IOB और JP पावर में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। अगर हम लोग FIS की डेटा की बात करें कि FIS का इन्वेस्टमेंट आज क्या रहा NSE पे, तो देखने की अगर डेटा आज आया होगा तो हमको देखने मिलेगा 16 JN का। तो 16 Feb का अगर हम लोग देखें तो आज भी FIS ने कंटिन्यू बाइंग की है, 1144 करोड़ का प्रॉपरली नेट में कैश में बाइंग की है। ये भी अभी भी मार्केट को प्रॉपरली एक अप मूवमेंट का ही सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपसाइड ही होंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बता पा रहे हैं, कुछ अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।